वेलकम एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल खुशबूदार फ्लेवर पर स्वागत है। आज हम पनीर भुर्जी रोल बनाएंगे। पनीर की भुर्जी बनाकर हम उसे पराठे में रोल करेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, तो आइए इसे बनाते हैं। पनीर भुर्जी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम रोल बनाने का आटा तैयार करेंगे। सबसे पहले 1 कप गेहूं का आटा लें, आधा कप मैदा लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसे अच्छे से गूंथ लें। नरम आटा गूंथ कर इसे ढक कर रख। पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले 200 ग्राम पनीर लें। हाथों की सहायता से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब गैस ऑन करें और उस पर कढ़ाई रखें। कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें 2 चम्मच तेल डालें और आंच को धीमा रखें। तेल गर्म होने के बाद इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालें, 1/2 कप कटा हुआ प्याज डालें, 2 कटी हुई हरी मिर्च और 1/2 कप हरी मटर मिलाएं। सभी को अच्छे से चला लें। सभी को अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर मिलाएं। अब सभी मसालों को अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लें। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद अब उसमें पनीर मिलाएं। अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लें ताकि पनीर और मसाला सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिलाएं। 1/2 कप कटा हुआ हरा धनिया मिलाएं। एक बार फिर से सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसे 10 मिनट के लिए पकाएं। पनीर भुर्जी तैयार है, अब इसे एक बाउल में निकाल लें। अब तैयार आटा लें और इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लें। अब इसे बेल लें। इसे हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है। अब तवा गरम करें और उस पर पराठे को डाल दें। गैस की आंच को धीमा रखें। अब इसमें दोनों तरफ तेल लगाएं और इसे अच्छे से सेक लें। पराठा सिककर तैयार है, अब हम इसका रोल बनाएंगे। अब पराठा लें, उसके ऊपर 2 चम्मच पनीर डालें और थोड़ा सा प्याज डालें। थोड़ा सा कटा हुआ खीरा डालें। थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर डालें। अब इस पे थोड़ा सा टोमेटो सॉस डालें। थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी डालें। अब इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डालें। सारी चीजें डालने के बाद अब इसको अच्छे से रोल कर लें। पनीर भुर्जी रोल बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।